पहुंचाने के लिए जा रहे हैं और सभी विद्यालय परिवार सभी प्रसन्न है और साथ ही दुख भी है कि हमारे साथ में हमारा साथी जो है पिछड़ करके सेवा निवृत्त होकर के सुख समृद्धि से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जी। धन्यवाद। दुख तो सर हमें भी हो रहा है, तो चलते हैं फटाफट से। तो अभी यहाँ पर इनका चल रहा है फोटोशूट, ये हर किसी का फोटोशूट कर रहे थे, इनका फोटोशूट। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में शायद से, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भेंट चढ़ाने, बाकी चढ़ा रहे हैं तो मुझे क्लिप क्लिप भी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे यहाँ मतलब मैं किसी को जानती नहीं हूँ। बाकी देखते हैं सीधे, अगर हो पाएगा तो किसी से ले लूँगी, बाकी जो घर तक छोड़ने जाएंगे शायद से लोग तो जो आए हुए हैं। आगे भी चलते हैं यहाँ पर मस्त से। प्रणाम गुरु जी, मिल लेनी नहीं।
बाकी सर लोगों से भी लेते हैं अलविदा, क्योंकि हमें अब सीधे एक महीने बाद मिलना है ना सर। ना ना भी घूमना कर लोग तो यहाँ पर इनसे भी अलविदा लेते हैं। रोकने के लिए बोला है पल, बाकी अभी सभी लोग इनको देखकर तक छोड़ने जाएंगे मैम को। अभी नहीं मेरा तो ये है हमारे स्कूल के अध्यक्ष जी, नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, और ये है मेरे पिताजी, बाकी ये है हमारे सर, और ये भी सर ही है हमारे। बाकी अभी फटाफट से निकलते हैं। स्पेशल गौर कैमरे जू हेलो गाइस, को बोला ही नहीं गुजी सर, आप बोल दो। तो दोस्तों यहां से ये देवघर के लिए हो जाएंगे अब विदा। और जी कहां जा रहे हो तुम अभी तक? घर नहीं गए? यम तो लोग बस नहीं था, चुप यम तो लोग बस। तो गाइस यहां पर ना बाकी जा चुके हैं, बहुत ही मस्त लग रहा है। बाकी मेरा सफर यहीं तक था, तो बाय बाय बाय। हाँ और जी कब आए तुम स्कूल से? हैं अभी आए हो? तो ये है हमारी भाभियों का घर। और क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? पता नहीं क्या कर रही हैं। वो नमस्ते, वो नमस्ते, क्या कर रहे हो भाभी? चाय पी रहे। अच्छा तो ये है हमारी भाभियों का मकान, तो बहुत बाय। हाँ है एक दिन मिलो, लो मिलते हैं सीधे, है एक दिन। हाँ तू लुगड़ी के लिए चाहिए यार? अबे यार काली आड़ से बोलिए अभी खतरनाक ही। संतोष और संतोष की टॉपी नीचे गिरते हुए। चल तो फटाफट भाग यार, अब तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ अभी। तो बाकी दोस्तों ना अभी हम आ चुके हैं रोड के रास्ते, क्योंकि मैम को छोड़ने जाना है। लेट किया आज बहुत ज्यादा। चुप, तो घर पहुंच भी तो कोई बात नहीं। आप सर पता नहीं कौन सी बेइज्जती मार रहे सर। हमारा पेपर नहीं है ना गुरुजी? पर पेपर नहीं बना।
तो अभी हम आ चुके हैं। हमारे सर बेइज्जती करने में बड़े माहिर है गाइस। किसी को करवानी हो तो प्लीज संपर्क करें। हे गाइस, तो वहाँ पर है देवघर का मंदिर और ये जो गांव दिख रहा है ये है ग्राम देवघर और जो नीचे गांव दिख रहा है वो है ब्याट। बाकी यहाँ से तेलगांव मेलगांव और वो है वहाँ से है भारू क्या जी डांड, उसको डांड ही बोलते हैं, मतलब तेलगांव मेलगांव के अंदर ही आता है वो भी। बाकी यहाँ पर ना बहुत ही मंदिर तो यहाँ पर ना बड़ी ही मस्त मंदिर बन रखी है, बड़ी बड़ी वाली तो मस्त से। और यहाँ से साय से नीचे जाना है संतोषी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं देवघर में धुंधार में लगभग अभी। तो ये है यहाँ पर है धुंधार का यात्री सेट। अभी यहाँ से गाड़ी आ रही है, पहले इसको ही जाने देते हैं। तो ये साय से तहसील वालों की गाड़ी है, इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बाकी अभी पापा से घर जाके पूछूंगी। और यहाँ पर लगे हुए हैं सभी रास्ते में और यहाँ धूल उड़ा के चले गए गाइस जी। तो यहाँ पर हमारे बड़ा जी भी आ गए। बड़ा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ सुतक ही जाना है आपको भैया? चलो ठीक है, दगड़ू हो गया हमारे लिए। बाकी यहाँ से ना मंदिर बड़े ही मस्त दिखाई देता है और जो देवघर गांव है ना वो बड़ा ही मस्त है और बहुत ही बड़ा भी है। बाकी उसी के बगल में है वहाँ पर जो दिख रहा है गोल घेरा में वो है ब्याट। तो वहीं से है हमारी मैम भी, बाकी देवघर से जिनकी विदाई है वो है देवघर से। तो अभी देखते हैं क्या होता है, नीचे जाते हैं नहीं जाते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी यहाँ से हमारे टीचर लोग भी आ चुके हैं मस्त से। तो इधर से जो गांव दिखाई, तो बाकी यहाँ से जो गांव दिखाई दे रहे हैं वो जो गांव दिखाई दे रहा है वो है तल्ला कांडा और शायद से वो है मेल्ला कांडा। तो और उधर से ही है अगर इधर की मतलब खेत दिखाई दे रहे होंगे तो इन्होंने मिर्ची मेरे हिसाब से बो ली हैं बड़े मस्त से। बाकी यहाँ से मतलब ये सारे खेत शायद से बोए हुए हैं, तो नीचे तक इन्होंने बोए हुए हैं। इन्होंने थोड़ी सी खेती की है, हम हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं रह गया है लेकिन यहाँ थोड़ा सा है अभी भी। बाकी मिर्ची इन्होंने बो ली है। ये जो रोड दिख रही है नीचे ये जाती है सीधे बीरोखाल के लिए, लेकिन अभी बीच में शायद से ऐसा बोल रहे हैं मतलब कि बीच में अभी नहीं बनी है। तो पिछली बार मैं और दादी गए थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो अब शायद से बन गई है। तो देखते हैं अभी, और बाकी हमारे टीचर लोग सब भी लोग जा चुके हैं, मैं अकेली रह गई हूँ पीछे। राम सिंह रावत जी ग्राम ब्याट और सन 2009 में हमारी संस्था जनता इंटरकारी टकोरी खालसी सेवानिवृत्त हुई और हमारे चाचा जी श्री मोहन सिंह नेगी जी पूर्व प्रचारक जनता इंटरकारी टकोरी खाल सन 2014 में प्रचारक पद से जनता इंटरकारी टकोरी खाल से रिटायरमेंट हुई। तो सर ने आपने आपको लोगों को बता ही दिया है, बाकी अभी चलते हैं फटाफट से। ये हमारे सर हैं तो हम जा रहे हैं सभी लोग। सर कैसा लग रहा है आपको? मैं तुम्हारी साथ बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो बड़े मजाकिया भी हैं और मस्त भी हैं, तो चलते हैं अभी फटाफट। बाकी हमारा सफर यही तक था। मैडम जी अब जान बाकी हमने सोचा कि हम नीचे तक आएंगे लेकिन मैम लोगों ने कहा कि चलो नीचे से नीचे तक चलते हैं, आप फटाफट देखते हैं नीचे जाके क्या होता है। और हमारी बॉडी सार रही है गाइस, बॉडी कैसा लग रहा है, हाय कर दो। बाकी हमारी मैडम जी है तो ये बड़ी मस्त है। मैडम जी आपको अपनी बेटी की याद आ रही होगी ना, याद आती है ना? हाँ, तो उनको बोलना मेरी वीडियो देखना है, देवघर का सीन कैसा है। बाकी अभी यहाँ पर बैठी हुई है कुछ महिलाएं स्वागत के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसा लग रहा है? तो कैसा लग रहा है, हेलो कर दो सभी को, हेलो। तो ये है देवघर की महिलाएं, बाकी ये स्वागत के लिए खड़े हो रखे हो ना? हाँ, तो ये मैम के स्वागत के लिए खड़े हो रखे हैं। ब्लॉगर जी पानी पीते हुए Thank you.
बाकी हम पहुंच चुके हैं घर में बड़े मस्त से। बाकी अभी यहाँ स्वागत चल रहा है तो जलक्ष्मी अग्नि बाकी अभी ये है शायद से हमारे बड़ा जी, तो अभी यहाँ पर इनका फोटो शूट चल रहा है मस्त से, पर मस्त से खाना बन रहा है शायद से। तो यहाँ पर बड़े बड़े सूर्य लगाए गए हैं एक हनी फोटो सामने देखना, इधर देखो, इधर देखो आंखों में नानी। गाइस ये है मेरे बूढ़ी बाड़ा, तो हमारी बूढ़ी सब एक ला ले दो। तो गाइस हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर संतोष भी पी रही है।